तबाही के जमघट से अब मरघट भी कांपने लगे हैं। कोरोना का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया कि श्मशान भी पिघलने लगे, मौत की बाढ़ से मसान डूबने लगे हैं। भयावह स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जहां मरने से मोक्ष मिलता था वो मरघट अब आरक्षण मांगने लगे हैं। ये कोरोना काल में जिंदगी की जंग है जो मरने के बाद भी जारी है, क्योंकि अस्पताल से लेकर श्मशान तक मारामारी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कोप से पिघल गए श्मशान, मौत की बाढ़ से डूबने लगे मसान, जहां मरने पर मोक्ष मिलता था वो मरघट आरक्षण मांग रहे हैं। अंतिम संस्कार के नाम से ये घाट खौफ खा रहे हैं। जंग मरने के बाद भी जारी है, अस्पताल से श्मशान तक मारा मारी है। तबाही का जमघट, कांपने लगे मरघट। जहां मरने के बाद मोक्ष मिलता था वो घाट आज अंतिम संस्कार के नाम से खौफ खा रहे हैं, क्योंकि जितनी स्पीड के साथ कोरोना जान ले रहा है अब अंतिम संस्कार करते करते श्मशान और कब्रिस्तानों का भी दम फूलने लगा है। क्योंकि कोरोना की महामारी से हालात इतने खराब हो गए कि सिर्फ पत्थर दिल नहीं पिघल रहे, मशीनें भी पिघलने लगी। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर इतने शवों को जलाया गया कि शव दाह गृह का पंखा पिघल गया। अब लकड़ियों से कोरोना से मरने वालों का शव का अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन अगर लकड़ियां भी कम पड़ गईं तो क्या होगा। यह जिंदगी की लड़ाई है जो मरने के बाद भी जारी है, क्योंकि इस वक्त श्मशान से लेकर कब्रिस्तान तक मारामारी है। ये रिपोर्ट देखिए। बनारस में श्मशान घाटों पर लाशों का अंबार, बैक टू बैक अंतिम संस्कार से निकला शवदाह गृह मशीन का दम। कोरोना के प्रकोप से सिर्फ इंसानों का दम नहीं निकल रहा, श्मशान घाट भी चित्कारने लगे, पिघलने लगे। शवदाह ग्रहों के पंखे कहने लगे अब और लाशों को धोने का दम नहीं रहा। जहां मरने के बाद मोक्ष मिलता था वो घाट आज अंतिम संस्कार के नाम से खौफ खा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सिर्फ पत्थर दिल नहीं पिघल रहे, मशीनें भी पिघलने लगी। यही हाल बनारस के हरिश्चंद्र घाट के शवदाह गृह की दोनों मशीनों का, जिनसे इतने शवों को जलाया गया कि हीटिंग से दोनों मशीनों के पंखे पिघल गए। मशीन के बाद लकड़ियों का सहारा, 3 दिन में हालात कैसे होंगे काबू। मशीन खराब होने के बाद कोरोना से मरने वालों के शवों को लकड़ियों पर जलाया जा रहा है कि मशीन को सही करने में 3 दिन का समय लगेगा। ऐसे में कहीं लकड़ियों की कमी पड़ गई तो हालात और ज्यादा भयावह हो जाएंगे, क्योंकि श्मशान घाटों पर पहले से ही 4 से 5 घंटे की वेटिंग जारी है। बढ़ रहा है कोरोना और कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा भी काशी में अब बढ़ने लगा है। 2 अस्थायी श्मशान बनाए गए हैं सामने घाट के रमना और मलहिया क्षेत्र में, अब शवदाह हो रहा है। और काशी के मणिकर्णिका हरिश्चंद के अलावा अब ये 2 अस्थायी श्मशान हैं जहां पर जो शव हैं उनका शवदाह किया जा रहा है। करहा रही है काशी, दहशत में है शहरवासी। कोरोना ने अस्पताल से श्मशान तक की व्यवस्था को बीमार कर दिया है। बनारस में श्मशान घाट पर घंटों का इंतजाम डराने लगा है। बनारस के दोनों श्मशान घाटों पर शवों की कतार लगी है, और इसी कतार को खत्म करने के लिए मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के अलावा विश्व सुंदरी पुल के पास गंगा तट पर तीसरा श्मशान बनाया गया, ताकि अंतिम संस्कार की वेटिंग को खत्म किया जा सके। लेकिन शहर शहर श्मशान की ये तस्वीरें डरा रही है, क्योंकि कोरोना की महामारी देखते ही देखते खतरनाक होती जा रही है।
कोरोना से करा रही है काशी, और अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर लगी 14 की मशीन अब खराब हो चुकी है। कहा जा रहा है कि दोनों मशीनों के पंखे गल गए। आलम ये था कि लगातार मशीनों के चलने से जो पंखे हैं वो ये लोड बर्दाश्त नहीं कर पाए। आने वाले 3 दिन अभी शवों को और भी इंतजार करना पड़ेगा जो 14 उन मशीनों में होते थे। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 14 हरिश्चंद्र घाट पर लकड़ियों पर किया जा रहा है। जिंदगी का ये कैसा रण है, मरने के बाद मांग रहे आरक्षण है। जिंदा लोगों को आपने आरक्षण की मांग करते हुए सुना होगा, लेकिन अब मरने के बाद भी आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। ये सुनकर आप चौंक जाएं, लेकिन ये सच है, क्योंकि यूपी के शाहजहांपुर के लालपुर शमशान घाट में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के चबूतरे आरक्षित कर दिए गए और सामान्य शवों को जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये कोरोना काल का वो भयावह सच है जिसकी शुरुआत शाहजहांपुर से हो गई है, क्योंकि जहां मरने पर मोक्ष मिलता था वो मरघट आज आरक्षण मांग रहे हैं। ये जिंदगी की जंग है जो मरने के बाद भी जारी है। अस्पताल से लेकर शमशान तक मारामारी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की इस महामारी से बचने का सबसे कारगर इलाज है वैक्सीन, लेकिन अब इसकी कीमत को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को वैक्सीन के दाम को लेकर एक खत लिखा है, जिसमें पूछा है कि जब इलाज एक है तो कीमत दो क्यों। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की कीमत तय की, जिसमें राज्य सरकार के लिए अलग कीमत और निजी अस्पताल के लिए अलग कीमत तय की गई है, और इसी कीमत को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। महामारी की जब एक दवाई तो रेट दो क्यों। बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन पर सियासत क्यों। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार पिछले 24 घंटे में 3,14,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। 2100 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। महामारी का ये त्राही त्राही करने वाला काल है, और इस दहशत भरे वक्त में वैक्सीन ही सबसे कारगर इलाज है। लेकिन इस इलाज की अलग अलग कीमतों ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। 1 मई से देश भर में 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर 18 से 45 साल तक लोगों को फ्री में टीका लगाने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया और पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत तय करने की मांग की है। गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन की नई कीमतें तय की। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उसने इस वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज 600 रुपए रखी है, जबकि सरकारी अस्पतालों में ये फिलहाल मुफ्त में लग रही है। वहीं कंपनी जितनी वैक्सीन बनाएगी उसका 50% केंद्र सरकार को देगी और बाकी बची 50% वैक्सीन राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को मिलेगी। अब तक सिर्फ केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद रही थी, लेकिन अब राज्य सरकारें भी वैक्सीन को खरीद सकेंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब वैक्सीन एक है तो उसकी अलग अलग कीमत क्यों है। इसी को लेकर राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर निशाना साधा है। वहीं कोरोना के भयावह हालात पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। कोर्ट ने महामारी पर एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई है, साथ ही 4 बिंदुओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी दवाइयों की आपूर्ति, वैक्सीनेशन के तरीके, राज्य में लॉकडाउन का फैसला कौन लेगा जैसे सवालों के जवाब मांगे गए हैं। क्योंकि कई राज्यों में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार और हाई कोर्ट में तनातनी हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर साफ कट लेना चाहता है कि अगर हालात खराब हुए तो लॉकडाउन का आदेश कौन देगा। वैसे पीएम मोदी ने लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताया है, लेकिन जिस तरह के हालात है और जिस तरह से हर दिन केस बढ़ रहे हैं, उसे देख कर लगता है कि ये अंतिम विकल्प कहीं अपनाना न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अस्पताल में बेड नहीं, श्मशान में जगह नहीं, और अब तो सांस लेते हुए भी डर लगता है।
अस्पतालों में एक बेड खोज कर देख लो, सुबह से शाम हो जाएगी, रात ढल जाएगी, लेकिन खोज आपकी पूरी नहीं होगी। जिंदगी के आपातकाल में ऑक्सीजन की बात करना ही बेमानी है, क्योंकि कब किस अस्पताल में सांस अटक जाए इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि सांस लिमिटेड है, मरीज उससे ज्यादा हैं। यूपी में तो डर लगता है, बीते 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना का प्रचंड प्रहार, शहर शहर हाहाकार। यूपी में 24 घंटे में टूटे सारे रिकॉर्ड, एक्टिव केस 2.5 लाख के पार। कोरोना के कोहराम से अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां वायरस दिन दूनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में महामारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 34,379 नए केस सामने आए। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 34,379 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 16,514 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 2,59,810 प्रकरण हैं। अब तक कुल मिलाकर 7,06,414 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा आए मामलों को मिलाकर सूबे में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2,59,000 से ज्यादा हो चुकी है, जो महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा है, क्योंकि इतने लोगों का या तो अस्पताल या फिर घर पर इलाज चल रहा है। यूपी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों में यहां 34,000 से अधिक केस सामने आए हैं, जो बुधवार के मुकाबले 1,165 अधिक हैं। मौतों की संख्या भी 187 से बढ़कर 195 हो गई है। राजधानी लखनऊ जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां संक्रमितों की संख्या जरूर कम हुई है। लखनऊ में 700 केस घटे हैं और मौतों की संख्या भी 21 के मुकाबले 19 हुई है। हालांकि प्रयागराज और कानपुर में स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। यहां बीते 24 घंटे में 18-18 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। बेड से लेकर ऑक्सीजन का आपातकाल, सांसें अटक रही हैं, सिस्टम सो रहा है। यूपी में हालात किस कदर खराब है इसका अंदाजा लगाना हो तो अस्पतालों में एक बेड खोज कर देख लो, सुबह से शाम हो जाएगी, रात ढल जाएगी, लेकिन खोज पूरी नहीं होगी। जिंदगी के इस आपातकाल में ऑक्सीजन की बात करना ही बेमानी है, क्योंकि कब किस अस्पताल में सांस अटक जाए इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि सांस लिमिटेड है, मरीज उससे भी ज्यादा। शहर शहर सांसों की लड़ाई चल रही है। जी हाँ, जिस तरह से आगरा में भी पिछले 5 दिनों में कोविड मरीजों की संख्या में 2 गुना इजाफा हुआ है, उसके बाद आगरा के तमाम हॉस्पिटलों में लगातार ऑक्सीजन क्राइसिस बनी हुई है। जिस अमित जग्गी मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, कल भी जब एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हुआ और यहाँ सिलेंडरों की सप्लाई की। आज एक बार फिर से इस समय अमित जग्गी हॉस्पिटल में लगातार ऑक्सीजन क्राइसिस बनी हुई है, और जो इसके जो हेड हैं डॉक्टर रमेश जग्गी, उनके मुताबिक जो बैकअप है वो कुछ घंटों का ही उनके पास बचा हुआ है, और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए। दरअसल आगरा के तमाम हॉस्पिटल इस समय पूरी तरह से भरे पड़े हुए हैं। कल भी 566 नए कोविड के मरीज आए हैं, और ऐसे में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कहा जाए भयावह हो चुकी है। लगातार चूँकि जो भी कोविड का मरीज़ है उसका जो ऑक्सीजन लेवल है तुरंत नीचे गिरने लगता है, और ऐसे में ऑक्सीजन सपोर्ट मस्ट हो जाता है। आगरा का अमित जग्गी हॉस्पिटल हो या रश्मि मेडिकेयर हॉस्पिटल हो या कोई भी निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, हर जगह ऑक्सीजन क्राइसिस इस समय चरम पर बनी हुई है। चूँकि बीती रात प्रशासन ने प्रयास किए हैं, जमशेदपुर से 15 मीट्रिक टन का एक कैप्सूल आया है, लेकिन ये भी जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ना के बराबर है। जिंदगी की ये लड़ाई जिंदगी के बाद भी जारी है। जगह की इतनी किल्लत है कि अब लोगों ने शमशान घाट की पार्किंग में अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। बस्तियां बस्तियां शमशान बने जा रहे हैं,
एबीपी गंगा आज आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा है जिससे समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह हो चली है। भले ही फाइलों में रोज़ाना मौतों का आंकड़ा 3 या 4 से ज़्यादा नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं कि मोक्षधाम शमशान घाट पर जो आपको लगातार जलती हुई लाशें बता रही हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह हो चली है। और इस समय मैंने 25 से ज़्यादा लाशें ऐसी देख ली हैं जो इस समय जल रही हैं, यानी जिनका क्रीमेशन चल रहा है। स्थिति इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल आगरा में हो चली है और सरकारी आंकड़ों में 3 या 4 से ज़्यादा मौतें नहीं दिखाई जा रही हैं। मैं तस्वीरों के ज़रिए आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि इस समय मैं मोक्षधाम शमशान घाट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कई सारी लगातार जो डेड बॉडीज़ हैं वो लगातार लाई जा रही हैं, लगातार उनका क्रीमेशन चल रहा है। क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है तो कल जो लगातार जो क्रीमेशन हुए हैं तो उनकी जो अस्थियां हैं उनको भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लगातार स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो चली है। हालात इतने ख़राब हैं कि अब अधिकारी भी टोल फ्री नंबर उठाने से बचने लगे हैं। कोविड की व्यवस्था को कंट्रोल करने वाराणसी पहुंचे AK शर्मा से जब इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली। AK शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा सर, आप हमारे देखिए प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी बनाए गए। शर्मा सर, बनारस में कोविड कंट्रोल की स्थिति क्या है? सर, आपको प्रधानमंत्री ने यहाँ का प्रभारी बनाया है। सर जनता करा रही है, ऑक्सीजन की कमी है। सर जनता जवाब चाहती है, एबीपी गंगा के दर्शक जवाब चाहते हैं, क्या है स्थिति? कुछ तो आप देखें, जवाब नहीं मिला, जवाब ना के बराबर। खतरनाक है दूसरी वेव, कैसे होगी जिंदगी से कि जिस मोड़ पर हम आ चुके हैं और जिस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसे देख ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है, आखिर इस महामारी की सुबह कब होगी? क्योंकि दुनिया के कई देश इस लड़ाई को जीत चुके हैं और हमारी तैयारियां भी पूरी नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कोरोना मरीजों की जान ले रहा है या फिर बद इंतजामी की मार से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, ये सवाल है। यूपी के कई शहरों के हालात ऐसे हैं, हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कोरोना से लड़ाई की जंग लड़ रहे हैं। तो शहर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने लोगों को डरा रखा है और शहर के अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर अलर्ट कर दिया है। हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, यहां पर मरीजों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है जिसके बाद से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। अस्पतालों में सुविधाओं का टूटा है, यहाँ जो ज़रूरी दवाएं हैं उससे लेकर ऑक्सीजन तक की भारी कमी हो गई है। प्रदेश में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त होने के कारण मृतकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण के शिकार मरीजों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी से के कारण अलीगढ़ में 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, तो वहीं ज़्यादातर मरीजों की सांसें अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण अटकी हुई हैं और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। तो कहां कहां ऑक्सीजन नहीं है वो भी आपको हम बता देते हैं। नोएडा का प्रकाश हॉस्पिटल है जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गई है। गाजियाबाद के अवंतिका अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, यहां पर 35 मरीज भर्ती हैं कोरोना के। लखनऊ का इंटीग्रल विश्वविद्यालय, जिसने शाम को चिट्ठी लिखी थी कि हमारे पास केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा, 120 मरीज भगवान भरोसे हैं। वाराणसी में भी एक अस्पताल में महज 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, वहां पर भी हाहाकार है। तो चारों तरफ हाहाकार है। आगरा में भी ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम बचा हुआ है, खत्म होने के कगार पर है ऑक्सीजन। अलीगढ़ में 5 मरीजों की जान चली गई क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुका था और इसी वजह से हर तरफ सांस के लिए संघर्ष है, व्यवस्था ध्वस्त है। और सवाल यही है कि इस ध्वस्त व्यवस्था के बीच लोगों की जान कैसे बचेगी। जो कागजी कोरम है वो चल रहे हैं। अभी तक लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर में जाना होता था, CMO रेफरल पर्ची बनाते थे तब जाकर मरीज भर्ती होता था, अस्पतालों में जगह बची नहीं है। तो अब ये व्यवस्था लागू कर दी गई है कि आपको CMO की रेफरल लिस्ट नहीं चाहिए होगी, लेकिन जब अस्पताल में जगह ही नहीं है तो मरीज मारे मारे फिरेंगे।